हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साबिया हियर। हम आपके लिए लेके आए हुए एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हू एवर नीड्स। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आप अपनी लव लाइफ में क्या मेजर शिफ्ट एक्सपीरियंस कर सकते हो। इस रीडिंग में हम ओरेकल गाइडेंस भी ऐड करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ अभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी आने वाले दिनों में आपकी लव लाइफ में क्या मेजर शिफ्ट आने वाला है। वी डू हैव आवर फर्स्ट थ्री कार्ड्स, द मैजिशियन, एस ऑफ कप्स और द हेरोफेंट। वाओ, चाहे आप सिंगल हो, रिलेशनशिप में हो, कमिटेड हो, ब्रेकअप से डील कर रहे हो, मुझे लगता है कि आपकी लव लाइफ मैजिकली ट्रांसफॉर्म होने वाली है। एक और चीज़ मेंशन करूँगी यहाँ पर, अगर हम बात करते हैं आने वाले दिनों में, मींस के एक हफ्ते से कम का टाइम, सो आने वाले दिनों में आपकी लव लाइफ मैजिकली ट्रांसफॉर्म होने वाली है। एक लविंग ऑफर, एक फुलफिलिंग ऑफर आपकी ज़िंदगी में आएगी, चाहे एक नया पर्सन है, चाहे पास्ट पर्सन है, चाहे करंट पर्सन है, जो कि चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि शादी को लीड करे, शादी या फिर किसी भी तरह के ट्रेडिशनल वे ऑफ अपग्रेडिंग योर लव लाइफ। सो एंगेजमेंट हो सकती है, कमिटमेंट हो सकती है, शादी हो सकती है या बात पक्की हो सकती है। इस तरह का कोई भी सिचुएशन जो है वो डेवलप होते आप देखोगे आने वाले एक हफ्ते के अंदर अंदर। कोई ऐसा रिलेशनशिप आ रहा है आपकी ज़िंदगी में जो कि शादी को लीड करेगा। यहाँ पर अगर आप किसी स्पेसिफिक समवन से इन टच हो, लाजमी नहीं है कि वही पर्सन हो सकता है कि अनएक्सपेक्टेडली कोई ऐसा प्रपोजल आए जो कि आपकी फैमिली को पसंद आए और आपकी बात या आपका रिश्ता पक्का हो जाए, तो उसके भी चांसेस हैं। लेकिन आपके लव लाइफ में एक डेफिनेट जो है एक अपग्रेडेशन आप देखोगे इन वन वे और द अदर, जहाँ पर आपकी शादी, कमिटमेंट, इंगेजमेंट की तरफ लव लाइफ चलेगी, चाहे पास्ट पर्सन के साथ है, न्यू पर्सन के साथ है, करंट के साथ है, वो सबके लिए डिफरेंट होगा। अगर आप ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो या शादी हुई है, तो चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि चीज़ें आपके हक में बेहतर होना शुरू हो जाएं। अगर कोई क्लैशेज या इश्यूज आ रहे थे आपकी लव लाइफ में अपने पार्टनर के साथ, लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले दिनों में अपनी लव लाइफ में, और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, और क्या मेजर चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हो अपनी लव लाइफ में आने वाले एक हफ्ते से कम के टाइम में। लेट्स सी और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो अपनी लव लाइफ में आने वाले एक हफ्ते से कम के टाइम में। यहाँ पे मैं एक और बात मेंशन करूँगी, आप ऐसे वो लोग जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और वो लोग जो बहुत ज़्यादा दुआएं मांग रहे हैं अपनी लव लाइफ को लेकर, मुझे लगता है कि आपकी दुआएं पूरी हो सकती हैं, आपकी इंटेंशंस जो हैं वो रियलिटी बन सकती हैं, आपकी एफर्मेशंस आपकी रियलिटी बन सकती हैं एक हफ्ते के अंदर अंदर। सो मेक श्योर कि अभी से ऑनवर्ड्स एक हफ्ते तक के लिए जो भी आपकी दुआ है, एफर्मेशन है, इंटेंशन है, उसको सेट करो और बार बार अपने आप को अपने रीअफर्म करो उस चीज़ को। यू विल गेट व्हाटएवर इट इज़ विद इन दिस वीक टाइम। यू नो, अब से ऑनवर्ड जो एक हफ्ता होगा उसमें आपको मिलने के चांसेस बहुत स्ट्रांग हैं, अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो तब भी। और जब आप एफर्मेशंस या किसी भी तरह का टूल और टेक्निक यूज़ करते हो, आपका फेथ बहुत ज़्यादा मैटर करता है। फेथ इन द सेंस कि आपका फियर, डाउट, नेगेटिविटी हमेशा आपके माइंड से, आपकी बॉडी से निकल चुकी होनी चाहिए। जब आप ये चीज़ें करो, ये स्टेप्स लेते हो, टूल्स यूज़ करते हो, टेक्निक्स यूज़ करते हो, तो आपका फियर, डाउट, नेगेटिविटी ये नहीं होना चाहिए आपकी एग्जिस्टेंस में, आपके बीइंग में। अगर है तो आप कुछ भी बोल दो, कुछ भी कर लो, वो वर्कआउट नहीं करेगा। सो मेक श्योर कि बिफोर यू डाइव इनटू इट, टेक सॉल्ट बाथ, थोड़ी कैंडल्स लाइट करो, रूम के दरवाजे, विंडोज़ खोलो, थोड़ा फ्रेश एयर को आने दो, एंड उसके बाद एक नई एनर्जी, एक नई वाइब के साथ स्टार्ट डूइंग द स्टेप्स जो मैंने अभी मेंशन किए। सो लेट्स सी और क्या मेजर शिफ्ट आने वाला है। आपका फेथ इन द गॉड दैट यू बिलीव इन, वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने की ज़रूरत है टू हैव व्हाट आई सी कमिंग फॉर सम ऑफ यू। नाइट ऑफ वॉन्स, आप ऐसे सिंगल लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एक बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी, जहाँ पर यू प्रॉब्ली मीट समबडी जो कि लव एट फर्स्ट साइट के चांसेस बहुत स्ट्रांग हैं परसेंटेज है आपको लेकर। चांसेस इस तरह से भी स्ट्रांग हैं कि हो सकता है कि आप इसे किसी फैमिली गैदरिंग में मिलो और चीज़ें आपकी नेक्स्ट लेवल तक चली जाएं इंस्टेंटली।
सो वो चांसेस बहुत स्ट्रांग हैं. सो अगर आप किसी फैमिली गैदरिंग्स में इनवाइटेड हो आने वाले एक हफ्ते के अंदर, मेक श्योर कि आप उसका पार्ट ज़रूर बनो, अपने आप को लेथार्जिक और लेज़ी होने से सेव करो और प्रेप अप, गेट रेडी एंड गो आउट. ज़्यादा से ज़्यादा बाहर रहो, ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रहो, ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहो, डू द थिंग्स जो कि आपको अच्छा फील कराती है. चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि यू मीट समवन जो कि आपकी लाइफ में एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज ला सके, आपकी लव लाइफ में मैजिकली ट्रांसफॉर्म कर सके आपकी ज़िंदगी को और आपकी लव लाइफ को. लेट्स सी और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो. एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा, एक एंडिंग, एंडिंग ऑफ अ बैड फेज, एंडिंग ऑफ बीइंग लोनली, एंडिंग ऑफ टॉक्सिक कनेक्शन. अगेन इसमें फिर से मैं मेंशन करूंगी, आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप किसी कनेक्शन में स्टक हो एंड देन कोई प्रपोजल आए जिससे आप इस चैप्टर से अपने आप को निकाल पाओ. कुछ लोगों के लिए हो भी सकता है कि ये जो नया पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू हेल्प यू हील फ्रॉम जो कि ख़त्म हो चुका है कोई ऐसा कनेक्शन जो कि स्टिल आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है. सो इस तरह की सिचुएशन भी डेवलप हो सकती है कुछ लोगों के लिए. बट यस, मुझे लगता है कि कोई अपने आप को स्ट्रेच आउट करेगा टुवर्ड्स यू, कोशिश करेगा आपसे बात करने की, कोई यू नो कोई आपकी तरफ एक्शन लेगा आने वाले एक हफ्ते के अंदर, जहाँ पर आपकी चॉइस होगी कि आप उसको चांस देते हो या नहीं देते हो. बट डेफिनेटली आई सी समवन टेकिंग एक्शन टुवर्ड्स यू विद द इंटेंशंस ऑफ टेकिंग थिंग्स फॉरवर्ड. लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग लिथार्जिक होकर घर पर पड़े रहना चूज करेंगे ओवर गोइंग आउट. सो कोशिश करो कि यू डोंट एंड अप बीइंग वन. अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रखो, पॉजिटिव रखो, एंग्जाइटी से दूर रखो. आप ऐसे कुछ लोगों के लिए एंग्जाइटी डिप्रेशन को आपको टाटा वाइबा करना पड़ेगा. अगर आप रियली चाहते हो कि आपकी लव लाइफ में कुछ चेंजेस आए, पॉजिटिविटी आए, आपको इन चीज़ों के ऊपर वर्क करना पड़ेगा. अगैन जितना ज़्यादा आप चार दीवारी में रहोगे, डिप्रेस रहोगे, गो आउट, हैव अ यू नो सम टाइम स्पेंड आउट इन द नेचर, वो भी आपको हेल्प कर सकता है पॉजिटिव करने में. हाँ, ट्राई टू लुक एट लाइफ विद पॉजिटिविटी. जैसे होता ना कि आप जैसे फॉर इंस्टेंस आपकी लव लाइफ वर्कआउट नहीं कर रही है, आप जो चाह रहे हो वो नहीं हो रहा है, आपकी लव लाइफ इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स नॉट योर होल लाइफ. सो कोशिश करो कि अपना फोकस उन चीज़ों के ऊपर लेकर आओ जो ब्यूटिफुल हैं, जैसे यू आर ब्लेस्ड विद यू नो जो आपकी एवरी डे नीड्स हैं वो पूरी हो रही हैं. सो स्टार्ट बींग ग्रेटफुल फॉर ऑल दोज थिंग्स. यू नो अपने आप को उस लैक के अंदर नहीं रखो जहाँ पर आपको लग रहा है कि लव लाइफ में कोई नहीं है, पर्सन यू नो प्रपोज नहीं कर रहा, इश्यूज बहुत हैं, ब्ला ब्ला ब्ला. लव लाइफ को थोड़ी देर साइड पे कर दो, फिर आप खुद ब खुद फिर से पॉजिटिव हो जाओगे. सो इट्स मोर लाइक रीचार्जिंग योरसेल्फ अगर आप नेगेटिव फील कर रहे हो. मुझे लगता है मेजॉरिटी लोगों के लिए इट्स गोना बी वेरी इजी कि आप अपने आप को इस सब में से, नेगेटिविटी में से निकाल सको इस आने वाले एक हफ्ते में, क्योंकि एनर्जीज बहुत ब्यूटीफुल हैं आपके आसपास. लेकिन अगर आप चूज़ करते हो लिथार्जिक होना, सोफे पे पड़े रहना, बेड पे पड़े रहना और अपने आप को डिप्रेशन में रखना, तो वो आपकी चॉइस रहेगी. लेकिन जितना आप ज़्यादा बाहर जाओगे, आउटडोर्स में रहोगे, आपके लिए उतना अच्छा रहेगा. आपके कॉन्फिडेंस को भी एक बूस्ट मिलेगा. चाहे आप विलिंग नहीं भी हो टू मूव ऑन फ्रॉम अ सर्टन पर्सन, आप जब बाहर जाओगे तो आपको जो अटेंशन, प्यार, अफेक्शन मिलेगा, तो आपको यू नो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ऑपोजिट सेक्स के अट्रैक्शन और अफेक्शन, फैमिलीज, फ्रेंड्स, आपको रियलाइज़ होगा कि लाइफ हैज़ मोर टू ऑफर. यू नो नॉट जस्ट कि बस एक पर्सन प्यार कर दे तो दुनिया बदल जाएगी. इट्स नॉट गोना बी लाइक दैट. आप जब बाहर जाओगे, आप यू नो यू लिव योर लाइफ, लाइफ इज़ नॉट अबाउट लव ओनली. तो जब आप बाहर जाओगे तो आप अपने आप को थोड़ा पॉजिटिव फील कर पाओगे, जिससे आपकी लाइफ में चेंजेस आ सकते हैं. और फिर ये जो डिप्रेशन है, नेगेटिविटी है, इट हैज़ टू एंड, और ये एंड हो पाएगा इन दैट सिचुएशन. लेट्स सी कि गिवन सिचुएशन में आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है. Be graceful in movement and action. Shed old skin, old patterns, old skin, old thought process. उसको आपने टाटा बाय बाय करते हुए, अपने आप को हील करते हुए आगे बढ़ना है अपनी ज़िंदगी में. चाहे कुछ अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है, स्नैप आउट ऑफ दैट और लिव इन द मोमेंट करते हुए, पॉजिटिव रहते हुए अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो. कुछ बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग, फुलफिलिंग आपकी ज़िंदगी में आएगा एक हफ्ते के अंदर अंदर, अगर आप अपने आप को नेगेटिविटी से फ्री कर सको. If you could get rid of that. So yeah, ये थी रीडिंग आप लोगों की. अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करो. टिल नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर, बाय.